आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। जल्दी दे, जल्दी दे। हाँ। ये लो। ये लो। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए मां कर तो अंडा चिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट ले, हट। किधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल। तुम में से कोई भी नहीं आएगा, समझे ना? सब लोग चल के आएंगे, इसलिए मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो। बंद क्यों हुआ? क्या हुआ? चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहां से पकड़ के लाए इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना, ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे, उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। हेल्प कर। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोनकर जी, डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? क्या है? इसका पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियरबॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे वाले लास्ट के वहां के लेके जाओ। रोलर ला खांदे और के हुंदा कि रे माला भी जतरा लगे। बंद कर। करना क्या बोलो? अरे मैं कहने को बोलो और पूरा गियरबॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना, करो। ए सुन, वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, चार पांच खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? दो तीन चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। तुम लोगों ने उधार मांग मांग के मेरा सत्यानाश कर दिया। अब जाएंगे आप बचे वो उधार। भाव 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 भाव, वो इंजीनियर और कमिश्नर आले, लगता है रोड का निरीक्षण करने आए हैं। ए तात्या, उधर ले गया। ओए मार चल, फट कर रोड के बीच में यहाँ पे। ए रुको रे, रुको। ए आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंड रे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना। अरे लेकिन अगर आपको देखना है तो साइड में देखिएगा, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंड रे। अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। ए तू खंड रे। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहां लिख दो डांबर से, सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। तो बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहना मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं नहीं, हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला, कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़े शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था। इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती हैं, घिन आती है मुझे।
बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। घनपुले मैडम, घनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे चेक्स का क्या होगा? मैडम, मैडम, ये सब नहीं चलेगा। इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी हो गई है तू। जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, डपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुजी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ। चल जीजू बीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। ए रंगीला, पहले आप ले तो मेरे पे गाड़ी। हाँ? गाड़ी बैक करके ले गए। अरे मैं जब सातवीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाऊ। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे भाऊ, वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे ब्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको। फटाफट गाड़ी मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं, उसके साथ गुंडे भी हैं। वो देख, मार साइकिल भगा, मार। अबे रोक बे। क्यों बेटा, थक गए साइकिल चला के? अरे कबूतर भाई, अरे यहाँ करोड़ी बल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है? भूले नहीं। क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों, उस तरह तू नहीं जाएगा ना? नहीं मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ, तो क्या खास बात है? खास बात है मैं, अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 130,000 रूपए। तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती। अच्छे खासे राज घराने का, तेरे बाबू जी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान ली तूने? तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता? आप लोग चलिए यहाँ से। सेठ जी मुजरा कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। हाँ, चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ मैं, मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका। हाँ। दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं, 3 महीने बोले। 3 दिन? 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले? अरे तू जरा छोटू बेटा, क्या बोला था? 3 दिन बोला था? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन बोला था ना? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन? मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हां सेठ जी, इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए। क्या रे, मैंने तो बोलने को होता नहीं क्या तेरे को? क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूँ पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग रिनोवेशन वगैरह, इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा, पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए, जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ, पहली बार अकल की बात की है तूने। सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते हो। मुझे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि ऐसा टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ, आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का म्यूनिसिपल ऑफिस। ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ शोर मत मचाओ। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा था। अबे ये भावना आपने घर पे जाके दिखा, अब ये रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया और ये तेरे बाप का है, तेरे बाप का है। भाई हटा हटा, फिर एक काम कर, गद्दा ऊपर डाल, सो जा, निकल यहाँ से, निकल निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग। तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में है तो हम क्या करें? मैं तोड़ता हूँ, लो आप फोड़ो। ए भगवान,
अबे तेरी तो क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को, एक दूंगा ना। थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा आप थाने। जाइए, चल रहे सेठ जी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ आज घर में मुंह दिखाएगी रस्म होने वाली है। जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी, सर जी घर में दुनिया भर के कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सर जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। ए, चुप रे, चुप। सर जी सॉरी, सर जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो। क्या करूँ, कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। हाँ। अब क्या करेंगे? सेठ जी आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर, एक रुको, नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रही क्या बोला तू? 5 दिन, 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है, मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी। उस जमाने में 1,00,000 रुपए दिया था इस तस्वीर का हमने, आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? ये? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी मेरी घड़ी, तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन आ रहा हूँ सेठ। अरे इधर आ, देखिए क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। घड़ी? ये सारा पैसा इससे वसूल कर रहा होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ हाँ भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाव, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाव? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ, देख देखना कोई देख तो नहीं। हाँ देख रहा हूँ ना। कांच से साफ करो। जल्दी कर जल्दी कर। अब जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर जल्दी कर। अरे सेठ जी क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है। हाँ उसे एक मिनट लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो हाँ रामचंद्र जी। हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी हाँ जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में। हैं जल्दी कर, बता मुझे बता। हाँ भाई तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए? अच्छा छोटे के लिए नहीं है। हेलो देखो छोटे के लिए नहीं है, बड़े केले चलेंगे,
है? चावल में केले कैसे मिलाओगे? अरे अरे रेणु रेणु तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो है? अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा है? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ लाइन पर रहो, लाइन पर रहो भाई। उफ सर जी, हाँ तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ? हाँ, बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपया नहीं थे तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपया। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट, हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी मैंने बोला मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है। तूने बोला? सॉरी पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है, कड़ी है, अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे इनको तू है क्या? लाइन पर है, लाइन पर है, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी है? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ, लाइन पर उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई तेरी समस्या क्या है? सर जी मेरी बहन की शादी है, सेठ जी मुझे पैसे चाहिए, मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पे रहना, बताता हूँ। रामचंद लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया, बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने नहीं है आपकी यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू है? अब अकड़ के जा रहा अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी इसको पकड़ो, साले को कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा, रावण की औलाद है कमीना साला। हाँ तो तेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश हुई तेरी माँ? बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू, मैं जा रहा हूँ। रंगीले, तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए, ले रे। ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी ला के देता हूँ, जल्दी ला के दे। बेंजी थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। मस्त बंदर क्या जाने आता है। ये लो। कचरा कितना है। Oh
हरामजादे। चाचूड़ी तेरा बाप हरामजादा। तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं नहीं। साले अरे क्या हुआ? अरे क्यों साले इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे मारो भैया, खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ साले कुत्ते हरामजादे। हरामजादा साला आज तेरे टुकड़े टुकड़े खाया जाएगा। हरामजादा निकल 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 तेरी माँ का निकल। रुक 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 तेरी माँ का रुक साले साले। दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा कम्बा कमीने साले। हम लोग वो रोड पे पहुंचते थे आई चप्पल बिल्कुल। वो देखते हैं पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमान पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमान इसके पीछे कहानी है सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में नहीं गिर गर्दन घाट? गिर गर्दन घाट। अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट उसमें बड़ा बड़ा मतलब तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था और सड़क पूरी
बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले कभी इधर चले कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मांझे क्या है, सड़क पे चलने वाले प्यार शुड़ बांध के चलते मालूम है? नहीं क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना, वो तीन दिन बाद पहुंचता है। अन अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे से गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के मापी दौड़ रहा था, धक 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 धक, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, अन रोड रोलर जाके पेड़ को लगा घटकन, पेड़ खाई में गिरा भटकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका, ये किनारे पे ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस, सब पब्लिक देख रही थी, मैं ऐसा निकल के, ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधरिच? उधर नहीं, तीन चार दिन बाद में आके दिया। अच्छा। आके घर पे दिया, पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशु, तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं फेंक रहा, फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, चल, यकीन नहीं है ना, चल साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट एक मिनट, अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, गाड़ी घुमा। साले ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू? अरे औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है और मेरे को झूठ बोलता है, उल्टे सीधे बहाने बनाता है। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा, निकल यहाँ से। मौका मिलने दे। ओए, उल्टा देख। चलो आप लोग चलो काम पे। ओए मोटे, बात सुन, तेरे पास पैसा है? पैसे? ये 20 पैसा है, चाहिए? अरे नहीं यार, वर्करों को देना खाने के लिए। वो राम भरोसे होटल में हमने खाता खोला था, पैसे नहीं दिए तो उसने बंद कर दिया। बाद में शिव शक्ति भोजनालय में खाता खोला तो उसने भी आज से देना बंद कर दिया हम लोग को। कितना देना है वहाँ? उसका तकरीबन 3,000। 3,000 देना है? मेरे पास मेरी एक कमर की चेन है, सोने की है, अगले हफ्ते तक काम चल जाएगा लगता है। सोने की चेन? उसमें तो आराम से 1.25 महीना निकल जाएगा, दो ना। एक मिनट आंटी, मैं रखा हूँ। ये आपके कमर की चेन है? हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे पहनाई थी, अभी अभी ये माँ की अलमारी से चुरा के लाया। इसमें तो मुश्किल से सिर्फ 3 दिन निकल पाएगा, वो भी आधा पेट। हाँ, 3 दिन काम चला। ठीक है सर जी, पता है भाऊ, आज सेने कमिश्नर ने अपना ओहदा संभाल लिया है। तुझे नाना जी टांग, इससे पहले कि वो ऑफिस के कमीने मेरे बारे में बुराइयां करे, मैं जाके कमिश्नर से मिल लेता हूँ। ठीक है, और अपना चेक जाके ले लेता हूँ। गन्ने वाला रस्ते भूल गए। सुन सुन, इतना बेटे, चोली के पीछे क्या?